नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ पलामू। पलामू में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर हाई कोर्ट में फ्रेश रिट दाखिल की। बाबा बागेश्वर जी को आने का डेट कब रखा गया, चलिए वीडियो में आगे जानते हैं। पलामू में अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम सरकार अगले साल यानी 2024 में आने वाले हैं और उनका डेट फिक्स कर दिया गया है। पलामू उपायुक्त द्वारा कई कारणों से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को रद्द किए जाने के बाद हनुमंत कथा आयोजन समिति ने पुरानी याचिका को वापस लेते हुए हाईकोर्ट में प्रेस रिट याचिका दाखिल की है। इसमें बताया गया है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का प्रस्तावित कार्यक्रम अब 2024 में 10 से 15 फरवरी के बीच निर्धारित किया गया है। यह कार्यक्रम अब रैती भूमि पर होगा, इसके लिए ग्राम सभा से अनुमति भी मिल गई है। पुराना कार्यक्रम स्थल जो नदी के किनारे पर था, वहाँ पर उपायुक्त ने इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ने की बात को लेकर कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब कार्यक्रम का जो नया स्थल रैती भूमि पर चयनित किया गया है, वहाँ इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ने की जैसी कोई बात नहीं है। कार्यक्रम स्थल डाल्टन शहर से 20 किलोमीटर दूर पर है। दरअसल पिछली सुनवाई में प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि पलामू उपायुक्त ने कई कारण बताते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था, इसलिए वे मामले में संशोधन पटिशन दाखिल करना चाहते हैं, इसलिए समय दिया जाए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी के कोर्ट ने प्रार्थी को समय प्रदान किया था। यहाँ बता दें कि पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पलामू कार्यक्रम रजवाड़ी में 10 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक प्रस्तावित था। प्रार्थी ने इस कार्यक्रम को लेकर पलामू जिला प्रशासन को उचित आदेश देने का आग्रह किया था। हाईकोर्ट से आदेश मिलने के बाद बताया गया कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का प्रस्तावित कार्यक्रम अब वर्ष 2024 में फरवरी 10 से 15 फरवरी के बीच निर्धारित किया गया है। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।